बाल श्रम की सूचना पर पहुंचे न्यायाधीश श्रमिकों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए संचालित अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार वैष्णव की गठित टीम श्रम विभाग पुलिस लाइन पुलिस विभाग चाइल्ड लाइन एवं पैनल अधिवक्ता की टीम ने मोही स्थित ईंट भट्टों का एवं कारखानों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने निरीक्षण के दौरान सामने आया कि ईंट भट्टों पर दो बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जिसको टीम को देखकर एक बाल मजदूर कार्यस्थल से भाग गया तथा दूसरे बाल मजदूर को टीम ने रेस्क्यू कर लिया। साथ ही कार्यस्थल पर श्रमिकों के पेयजल के लिए बनी टंकी की जांच की तो पाया कि टंकी में स्वच्छ पानी नहीं है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। न्यायाधीश वैष्णव ने भट्टे संचालक को कड़ी फटकार लगाई तथा श्रमिकों के लिए अविलंब स्वच्छ एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। श्रमिकों ने संवाद कर श्रमिकों के अधिकारों एवं उनके लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं एवं महिला श्रमिकों गर्भवती महिला के लिए विशेष सुविधाओं एवं उनके विधिक अधिकारों पीड़ित प्रतिकर योजना निःशुल्क विधिक सहायता लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान श्रम निरीक्षक भेरूलाल मीणा, अधिवक्ता ऋषिराज पालीवाल, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र यादव, चाइल्ड लाइन के भेरूलाल पालीवाल, प्राधिकरण के गौरव पुरोहित, यशोदा नंदन, गौतम आदि मौजूद थे। इस दौरान एकाएक प्रशासनिक कार्रवाई से ईंट भट्टा संचालकों में हड़कंप सा मच गया। साथ ही ईंट भट्टा संचालकों को पाबंद किया कि अगली बार बाल श्रम नहीं करावें। वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार वैष्णव ने मोही गांव में संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में गृह प्रभारी रौनक भट्ट मिले। निरीक्षण के दौरान 13 वृद्धजन का रजिस्टर इंदिराज होना पाया गया, जिनमें से 6 महिला तथा 4 पुरुष वृद्धजन मिले। वैष्णव ने रसोई घर में पर्याप्त उजाले की एवं एग्जॉस्ट फैन लगवाने के निर्देश दिए। गृह प्रभारी ने गत माह चिकित्सक द्वारा वृद्धजनों का चिकित्सकीय परीक्षण करने की बात कही। इस दौरान वहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड थिंक नाथ द्वारा थिंक नंदन ग्रैंड। पिपली अहिरान में गायत्री महायज्ञ में 151 जोड़ों ने दी आहुतियाँ। पिपली अहिरान गांव में सामुदायिक भवन परिसर में चल रहे गायत्री महायज्ञ में विधि विधान पूर्वक हवन अनुष्ठान का दौर चला। यह आयोजन सूरजकुंड के महंत अवधेशानंद महाराज के सानिध्य में हुआ, जिसमें हरिद्वार के कई विद्वान पंडित और राजसमंद के गायत्री परिवार के सदस्य सम्मिलित हुए। सामुदायिक भवन में गायत्री महायज्ञ को लेकर बनाए 11 कुंडी यज्ञ वेदीशाला में गाँव के 151 जोड़े यज्ञ वेदी स्थल पर पहुँचे, जहाँ पर पंडितों के मुखारविंद से विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इसके बाद गायत्री मंत्र जप के साथ यजमानों ने आहुतियां देना शुरू किया, जिसमें गांव के 151 जोड़े सहित यजमानों ने आहुतियां दी। विशेष मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ स्थल पर माहौल पूरी तरह धर्ममय हो गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पीपली अहिरान सहित आसपास के गांवों के भी कई महिला पुरुष कार्यक्रम में पहुंचे और अवधेशानंद महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। नरेगा कार्मिकों की हड़ताल जारी, सरपंच संघ उतरा समर्थन में। महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के प्रदेश स्तर के आह्वान पर राजसमंद जिले के समस्त संविदा कर्मियों ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखी है। नियमितीकरण एवं विभिन्न मांगों के संबंध में 4 मई से कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक सरकार द्वारा पंचायत राज LDC भर्ती 2013 एवं अधीनस्थ भर्ती 2013 के समस्त पदों पर भर्ती पूरी करें या सभी कैडर की समायोजन की पॉलिसी बनाकर कार्यरत पदों पर सीधा समायोजन किया जाए, तब तक सभी कार्मिक नरेगा कार्य का बहिष्कार करेंगे। इसको लेकर राजसमंद जिला सरपंच संघ भी उनके समर्थन में उतरा है। सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगें पूरी करने की मांग की है। इस दौरान नरेगा कार्मिकों द्वारा दिया जा रहा धरने पर भीम और देवगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष धर्मेंद्र झूला, राधेश्याम सैनी, मूलचंद, नारायण सिंह, वासुदेव सिंह, चारण मांगू सिंह, गणेश लाल रेगर, मोहित जैन सहित कार्मिक गण मौजूद थे।
जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर ने सुनी समस्याएं। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सतर्कता समिति की बैठक और जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। बैठक में जिले भर से आए फरियादियों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद समस्याओं पर गंभीर रूप से चर्चा की गई और कई समस्याओं का निस्तारण तुरंत किया गया और कुछ समस्याओं पर चर्चा करने के बाद समाधान नहीं निकलने पर अगली तारीख दी गई। सतर्कता समिति में मुख्य मुद्दा खमनौर सरपंच पर लगे भ्रष्टाचार का आरोप था, तो वहीं राजसमंद शहर में हो रहे एक अवैध निर्माण को लेकर अधिवक्ता जितेंद्र खटीक ने मुद्दा उठाया। इस मामले में सुनवाई के बाद अगली तारीख दे दी गई। इसके बाद कुरज गांव में अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुख तौर से सामने आया, जिस पर कलेक्टर जिला परिषद सीओ को जांच के निर्देश दिए और अगली सुनवाई में वास्तु स्थिति रिपोर्ट देने को कहा। इसके अलावा खमनौर के एक व्यक्ति ने पंचायत में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत की। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को बिजली और पानी की पर्याप्त आपूर्ति के लिए जिले में समस्या का समाधान करने के लिए निर्देश दिए। पंचायत समिति सभागार में कार्यशाला संपन्न। पंचायत समिति राजसमंद में सभी ग्राम पंचायत नरेगा मेट एवं ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक की संयुक्त कार्यशाला हुई। सहायक विकास अधिकारी संजय आचार्य ने बताया कि सर्वप्रथम परिचय सत्र के साथ कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इसके बाद विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान ने पंचायतवार नरेगा श्रम नियोजन की समीक्षा की गई तथा न्यूनतम लेबर वाले पंचायत को तत्काल लेबर बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक कार्य पर मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की 100% पालना करने के सख्त निर्देश दिए तथा अगले पखवाड़े तक 100% महिला मेट लगाने के लिए पाबंद किया। अधिशासी अभियंता सुरेंद्र बंसल ने मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में मेटों ने रखी गई समस्याओं का समाधान किया। अधिशासी अभियंता अशोक गहलोत ने श्रम नियोजन के लिए आवश्यक होने पर नए कार्यों के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। कार्यशाला में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान कनिष्ठ सहायक कैलाश वैष्णव सहित कार्मिकगण मौजूद थे। केलवा पंचायत में प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप शिविर लगा। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 फॉलोअप शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत केलवा में हुआ। विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह ने बताया कि उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला की अध्यक्षता में शिविर प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम DMFT योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा मिर्च प्रदर्शन का वितरण केलवा के 12 किसानों को किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय पट्टे, जॉब कार्ड वितरण किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। गायत्री महायज्ञ में पहुंचे कलेक्टर, ग्रामीणों ने किया स्वागत। पीपली अहिरान गांव के सामुदायिक भवन परिसर में चल रहे गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना भी गायत्री महायज्ञ स्थल पहुंचे, जहां पर गायत्री मां को पुष्प अर्पित कर नमन किया और शांति और खुशहाली की कामना करते हुए महायज्ञ में धर्म का लाभ लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जिला कलेक्टर का मेवाड़ी पगड़ी और इकलाई पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। दुर्गा वाहिनी के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के चौथे दिन सूर्य पथ संचलन निकाला। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित विद्या निकेतन स्कूल में विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़गढ़ प्रांत दुर्गा वाहिनी का सूर्य प्रशिक्षण वर्ग शिविर चल रहा है। शिविर के चौथे दिन युवतियों ने जिला मुख्यालय पर सूर्य पथ संचलन निकाला। पथ संचलन आयोजन दुर्गा वाहिनी की बहनों ने किया। संचालन के दौरान शहर में जगह जगह युवतियों ने अखाड़ा प्रदर्शन किया और घोष ताल पर कदम से कदम मिलाते हुए संचलन निकाला। शहर में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर दुर्गा वाहिनी की बहनों का स्वागत किया। संचलन बालकृष्ण स्टेडियम से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचा। संचलन बालकृष्ण स्टेडियम से रवाना हुआ, जो JK मोड़, कांकरोली चौपाटी, जलचक्की होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक पर पहुँचा, जहाँ पर संचलन का समापन हुआ। घाटी पंचायत में किसानों को मिर्ची किट वितरण किए। कुंवरिया क्षेत्र के घाटी ग्राम पंचायत में 21 किसानों को मिर्ची किट वितरण किए। कृषि पर्यवेक्षक माया तेली ने बताया कि घाटी पंचायत में तहसीलदार हिम्मत सिंह राव के नेतृत्व में 21 किसानों को DMFT योजना में राज्य सरकार से मिर्ची किट वितरण किए गए और मौके पर तहसीलदार राव ने किसानों को मिर्ची का बीज बोने के दौरान खेत की अच्छी तरह से हकाई जुताई और मेहनत के साथ लगाने की बात कही। साथ ही किसानों को अच्छी पैदावार के टिप्स भी बताए। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।